नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। कहते हैं कि सेवा, संस्कार और साहित्य किसी भी देश के लिए उसकी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, और खास तौर पर तब जब भारत जैसे देश की बात हो रही हो और वहां पर आध्यात्मिकता का भी जिक्र हो। और ऐसे में एक ऐसी भाषा जो कि न केवल देव भाषा कही जाती है बल्कि उस भाषा से समस्त क्षेत्रीय भाषाओं का जुड़ाव दिखता है, वो भाषा कह सकते हैं कि समस्त भाषाओं की मातृ रूप में दिखती है। और उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई संस्थान कार्य कर रहा है तो उसका भी महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे ही एक संस्थान श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में इस विश्वविद्यालय का भी बड़ा योगदान है। इसका अतीत भी है, इसका आज भी है और इसका कल भी है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से बना यह श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी ये अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में देश में ऐसे कई शिक्षण संस्थान न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि इस देश और राष्ट्र की एक मजबूत बुनियाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा और उसमें निहित शास्त्रों के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन की लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दीर्घ दृष्टि का परिणाम है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2005 में हुई है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक सोचा कि संस्कृत शास्त्रों के विकास हेतु एक संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात में होना चाहिए। और सरदार वल्लभ पटेल जी का जब सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उसी डीड में भी उल्लेख था कि इस क्षेत्र में एक संस्कृत की संस्था बने, और उस स्वप्न को साकार करते हुए हमारे दीर्घ दृष्टा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना शास्त्रों के विकास हेतु की। 2005 में इस विश्वविद्यालय को उनके कर कमलों से ही हम जहां बैठे हैं उस भवन का लोकार्पण हुआ था। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं निश्चित तौर पर उस बात पर आप अचरज करेंगे। ये किसी भी भाषा के प्रति उसके अकाट्य या उसके अनुपम अनुराग का ही प्राकट्य हो सकता है कि कोई छात्र अन्य भाषाओं में अन्य विधाओं में पारंगत होता है और उसके बाद में वो ये सोचता है कि वो संस्कृत में पढ़ना चाहता है, संस्कृत में अध्ययन करना चाहता है, जबकि संस्कृत से उसका कोई वास्ता कभी रहा ही नहीं। लेकिन जब वो छात्र या छात्रा इस श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में आता है और संस्कृत के प्रति अपनी अभिरुचि जाहिर करता है तो निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय प्रशासन शुरुआती तौर पर पूरे के पूरे 6 महीने का एक कोर्स ऐसा चलाता है जिसमें कि वो न केवल भाषा को समझता है, उसके विनिमय को समझता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो बोलचाल में भी प्रवीण हो जाता है। और उसके बाद में फिर वो संस्कृत माध्यम में संस्कृत विषय को लेकर अपना अध्ययन शुरू करता है। तो ये बहुत ही एक खासियत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इस श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की हमको देखने को मिली। इस विश्वविद्यालय के अनुभव के बारे में यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर आने से पहले मुझे संस्कृत विषय का इतना अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे संस्कृत वाक् व्यवहार की भाषा और इसी के साथ ही विभिन्न संस्कृत शास्त्रों का भी ज्ञान हुआ। यहाँ पर हमें हालांकि हम यहाँ पर शोध छात्र हैं, लेकिन शोध छात्र होने के साथ ही हमें यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देने का मौका भी दिया जाता है। कुछ कार्यक्रमों में हमें एंकरिंग का मौका, कुछ कार्यक्रमों में हमें सत्र संचालन का मौका भी दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय के से संबंधित हमें विभिन्न सहायता प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, और हमें जो रिसर्च कार्य में हमारा सहयोग प्रदान करती है और
इस विश्वविद्यालय में जो मेरा अनुभव है वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहाँ संस्कृत भाषा में निबद्ध वेदों एवं शास्त्रों का गुणवत्तापूर्ण अध्ययन पारंपरिक पद्धति से करवाया जाता है। UGC के द्वारा इसे 12B तथा 2F की मान्यता प्राप्त है। अपनी उत्कृष्ट कार्य पद्धति के कारण NAC के द्वारा इसे A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। संपूर्ण गुजरात में यूनिवर्सिटी संलग्न 38 संस्कृत महाविद्यालय, 51 डिप्लोमा केंद्र, 21 PGDCA केंद्र और 1 रिसर्च सेंटर भारतीय विद्याओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर उन्होंने कहा था कि इस विश्वविद्यालय व्यक्तियों का नहीं बल्कि पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। मानवता के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए इस विश्वविद्यालय अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। और पूर्णता गौरव आया इसका जो सिद्धांत वाक्य है, और गुणवत्ता कोई हमारे लिए यात्रा नहीं गंतव्य स्थान है, तो इस बात को पुरवार करने हेतु श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने 70 से ज़्यादा प्रकाशन किए हैं, रिसर्च में अपना योगदान दिए हैं, 100 से ज़्यादा PhD स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय से हुए हैं और साथ साथ सर्वत्र संस्कृत मयता का वातावरण का निर्माण हुआ है। तो मोदी साहब का जो अपेक्षा था कि शास्त्र की रक्षा हो, संवर्धन हो, विकास हो, उसी दिशा में विश्वविद्यालय ने बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों की रचना की है। यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रभास ज्योति नामक शैक्षणिक भवन में यूनिवर्सिटी संलग्न महाविद्यालय एवं अनुस्नातक विभाग कार्यरत है। यहाँ विद्वान प्राध्यापकों द्वारा वेद, व्याकरण, पुराण, ज्योतिष, सर्वदर्शन एवं साहित्य, इन 6 शास्त्रों का अध्यापन करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी के द्वारा यशस्वी छात्रों को BA शास्त्री, MA आचार्य एवं PhD विद्यावारिधि इत्यादि पारंपरिक पदवियां दी जाती हैं। गत वर्ष से यहां इंटीग्रेटेड BA/BEd पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। कर्मकांड, संस्कृत टीचिंग, मंदिर व्यवस्थापन, योग, वास्तु और ज्योतिष विषयक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में चलाए जाते हैं। अनुस्नातक भवन में जनरल संस्कृत एवं हिंदू स्टडीज में MA पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में अभी 7 डिपार्टमेंट हैं, साहित्य, वेद, पुराण, ज्योतिष, योग, ऐसे व्याकरण, ऐसे 7 विभाग हैं। कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं जिसमें BA पढ़ाया जाता है, और 2 साल से हमने BA/BEd 4 साल का इंटीग्रेटेड एंड इनोवेटिव कोर्स भी प्रारंभ किया है, इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 38 कॉलेजेस जिसे हम महाविद्यालय कहते हैं पूरे गुजरात स्टेट में, वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी परंपरागत शास्त्रों का BA/MA आदि कोर्स पढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा कोर्सेस और उसके 50 से ज़्यादा पूरे गुजरात में केंद्र हैं, जिसमें डिप्लोमा इन टेंपल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वैदिक मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन ज्योतिष, डिप्लोमा इन कर्मकांड, डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज, जैसे 16 डिप्लोमा कोर्स इस विश्वविद्यालय दे रहा है। और पूरे गुजरात में अभी जितनी भी संस्थाएँ हैं वो सब मिलाकर सोचे तो 120 प्रायः 119 संस्थाएँ हमारे साथ जुड़ी है, और सब मिलकर 5,000 जितने स्टूडेंट BA/MA डिप्लोमा आदि कोर्स में अभी हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं, और अभी परीक्षा अभी ही संपन्न हुई है, उसका मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इस विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है संस्कृत संस्कृति, संस्कार और संशोधन का प्रचार प्रसार करना, इस विश्वविद्यालय में विविध विषयों का अध्ययन अध्यापन नियमित रूप से चलता है और सभी हमारे विद्यार्थी और अध्यापक हैं और निष्ठापूर्वक अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ वेद, वेदांग, साहित्य, व्याकरण, पुराण, ज्योतिष, दर्शन, योग आदि विषयों का अध्यापन होता है। किसी स्वप्न या संकल्पना के आधार पर ही किसी संस्थान का निर्माण होता है, किसी भाव के आधार पर ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, और ऐसे ही कुछ भावों के आधार पर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। अब ये इस विश्वविद्यालय प्रशासन का भाव ही है कि सिर्फ
इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर या फिर इस विश्वविद्यालय में आने वाले, अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले लोग ही संस्कृत में प्रवीण ना हो, बल्कि इस पूरे के पूरे शहर में, इस पूरे नगर में जो लोग रहते हैं, वेरावल नगर में जो लोग रहते हैं, आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं, वो लोग भी कम से कम संस्कृत में न केवल दक्ष हों बल्कि बोलने में भी प्रवीण हो। इस नाते भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यहाँ के छात्रों द्वारा अलग अलग गाँव में जाकर साल में 2 या 3 बार इस नाते कैंप किया जाता है कि हम आपको संस्कृत समझाने, बताने और सिखाने आ रहे हैं, और उसके बाद में उसका फॉलोअप भी लिया जाता है। और ये सिर्फ क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा का न केवल प्रचार प्रसार हो बल्कि लोगों के बीच ये आम बोलचाल की भाषा बने। और ये मानना है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि ये शहर एक संस्कृत शहर के नाते जाना जाए। सर्वत्र संस्कृत मयता, आप यहाँ प्रवेश किए तो सर्वत्र आपको संस्कृत के सुभाषित बोर्ड्स, संस्कृतमय वातावरण मिलेगा, बिल्डिंग में भी संस्कृत में लिखावट मिलेगी। इतना ही नहीं, शैक्षिक क्रियाकलापों का माध्यम ही संस्कृत होता है, लेकिन जो प्रशासनिक क्रियाकलाप हैं उनमें भी संस्कृत का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ कि हम फाइल लिखते हैं तो फाइल में भी अध्यापक संस्कृत में लिखते हैं, जो हमारे प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो उस बात को समझ सके, इसीलिए फाइल में भी कुछ संस्कृत सेंटेंसेस और कुछ गुजराती सेंटेंसेस दिए हैं, और उसमें से मैंने लिखा प्रस्ताव मान्यः, तो वो लिपिक है, जो क्लार्क है, वो समझ जाएगा कि सर ने संस्कृत में ऐसा आदेश दिया है। तो केवल शैक्षिक क्रियाकलापों में ही नहीं, प्रशासनिक क्रियाकलापों में भी संस्कृत आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि हमारा माध्यम की भाषा ही संस्कृत है। सरल मानक संस्कृत से हम शास्त्रों को, परंपरागत शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, और उसमें वेद हो, साहित्य हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो, पुराण हो, धर्मशास्त्र हो, योग हो, इन सारे परंपरागत शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ आधुनिक विषय अंग्रेजी और कंप्यूटर को भी उनको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। इस तरह से हमारे यहाँ से जो छात्र तैयार होते हैं, जो प्रतिभा संपन्न छात्र होते हैं, वो नेट और स्लेट भी सरलता से क्लियर, 2 साल में 50 से अधिक नेट स्लेट इस विश्वविद्यालय में से उत्तीर्ण हुए हैं। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानना बनता है, और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय श्रीमान दशरथ जाधव जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दशरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। एक महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन का कार्य तो इस विश्वविद्यालय परिसर में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ऐसी संकल्पना भी है, एक मन में एक ऐसा कहीं ना कहीं स्वप्न भी है कि ये पूरा शहर एक संस्कृत शहर के रूप में जाना जाए, तो इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी जी, उनका जो दायित्व है शिक्षा देने का छात्र को, वो तो कर ही रही है, लेकिन ये भी दायित्व समझती है कि जहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापना हुई है, वेरावल में माननीय मोदी साहब ने की है जी, तो वो नगर के लोग भी संस्कृतमय बने, इसीलिए हमारे गुरुजन और हमारे तैयार किए हुए छात्र यहाँ शहर में विविध इलाका में जाके और आजू बाजू के जो भी गाँव है वहाँ जाकर संस्कृत सिखाने के शिविर लगाते हैं। शिविर लगाने से फायदा ये है कि सबको संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो तो पता चलता ही है, लेकिन हमारी जो भाषा है जो अभी मृतपाय हो रही है, कई लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं है, उनको इस भाषा में हम एक प्रवाह में लाना चाहते हैं, और इस जो नगर है उसको हम चाहते हैं कि एक संस्कृत नगर बने, जो सब्जी बेचने वाला हो या फार्मर हो, बिक्री करने वाला हो या अधिकारी हो, लॉयर हो या इंजीनियर हो, वो सब लोग संस्कृत भाषा में बात करे और संस्कृत का वातावरण बने, तो ही मोदी साहब का जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की है वो हम लग रहे हैं कि हमारा लक्ष्य वहां तक जा रहा है। ये सोच के ही मन बहुत हर्षित होता है और बहुत प्रफुल्लित होता है, मतलब ये सोचिए ना कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो, कितना अच्छा ये होगा, और वाकई हमारी जो प्राचीन जो देव भाषा है उसका गौरव बढ़े, इसलिए लगातार आप जैसे लोग और तमाम लोग कार्य कर रहे हैं। एक जो चीज़ है महत्वपूर्ण जो कि मैंने यहाँ पर देखी है और जो मैंने यहाँ के इस विश्वविद्यालय के बारे में सुनी, वो ये कि आमतौर पर बड़े बड़े प्रशासनिक भवन होते हैं, बड़े बड़े और शैक्षणिक भवन होते हैं, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा भवन है जो मेरे जो संज्ञान में है, वो यहाँ का ग्रंथालय, मतलब जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, बिल्कुल इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है?
सर, हम सब जानते हैं कि ये विद्या का धाम है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र आते हैं। तो हमारे जो कुलपति साहब है उनके बहुत स्पष्ट संकल्पना थी कि यूनिवर्सिटी में भवन निर्माण का काम किया जाए उसी समय पर। दो भवन बड़ा होना चाहिए, इससे कोई बड़ा भवन नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसमें एक शिक्षा देने के लिए जो शैक्षिक भवन है वो हमारा एक बड़ा भवन है, और इससे भी बड़ा भवन हमारी यूनिवर्सिटी ने ग्रंथालय का बनाया है। ग्रंथालय में हजारों साल से जो पुस्तक हमारे है वो भी है, आने वाले हजारों साल जितने भी साल होंगे उसमें अनेक पुस्तक आएंगे। हम जानते हैं कि विद्या कहाँ है, निश्चित तौर गुरु जी के पास है, अदरवाइज बुक में है। तो दो भवन बड़ा होना चाहिए, इसीलिए आज यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 7-8 भवन खड़ा किया है, इसमें सबसे जो बड़ा भवन है वो ग्रंथालय है। यूनिवर्सिटी समुद्र के अत्यंत निकट हरे भरे शुद्ध वातावरण में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार प्राचीन शिल्प कला का अद्वितीय प्रतीक है। परिसर में स्थित त्रिवेणी नामक यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन एक ऐतिहासिक भवन है। लगभग 22,000 शास्त्र ग्रंथों, संदर्भ ग्रंथों एवं विरल ग्रंथों से युक्त यूनिवर्सिटी का बृहस्पति नामक ग्रंथालय का भी निर्माण संपूर्ति पर है। यहाँ पर हमारे बहुत बड़ी एक ग्रंथालय है, जिससे हम पुस्तकें लेकर हमारा शोध कार्य है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और हम लोगों को यहाँ शोध कार्य के साथ साथ पढ़ाने का भी मौका देते हैं। और हमारे जो वेद ग्रंथ, उपनिषद आदि धर्मशास्त्र है, उनके अंदर जो विद्यमान ज्ञान है उनको जानने के लिए प्रत्येक नागरिक संस्कृत भाषा पढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। भाषा को लेकर जितने भी उसके पक्ष हो सकते हैं, जिसके जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं, उसके अलग अलग पक्षों और आयामों के आधार पर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में विभागों का निर्माण किया गया है। न केवल विभागों का निर्माण किया गया है, बल्कि उस संबंध में गहराई से उसके अध्ययन के लिए पूरे के पूरे शोध कार्य लगातार किए जा रहे हैं, और इन शोध कार्यों का ही परिणाम है कि लगातार नई नई खोजें, खासतौर से भाषा को लेकर उसमें नई नई कैसे विविधाएं हैं, उन सबको जरूर प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में। शास्त्र शिक्षण के साथ साथ हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, कंप्यूटर इत्यादि आधुनिक विषयों का अध्यापन यहाँ करवाया जाता है। हमारे ग्रंथों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों के आधार पर इस पूरे विश्वविद्यालय में कई सारे सूत्र वाक्य हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, ये पंचतंत्र का सूत्र वाक्य है, और उसमें लिखा हुआ है मेहनती व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब ये लिखे होते हैं तो हम एक बार और इसको ऊपर थोड़ा सा सोचने पर जरूर विवश हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक पूरे के पूरे कैंपस का एक अलग से माहौल निर्मित करते हैं, एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न केवलम यो महतोपभाषते शुणोति तस्मादपि यह स पाप भाक, कुमार से लिया गया है। न केवल जो बड़ों की निंदा करता है अपितु जो उससे, यानी उस निंदा को सुनता है, वह भी पाप का भागीदार होता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, और इसी बात के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके समक्ष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में, और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर हम आपको अवगत करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सभी सुविधाओं से युक्त बालक छात्रावास एवं बालिका छात्रावास उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी में स्थित नर नारायण यज्ञशाला में नित्य यज्ञ अनुष्ठान विद्यार्थियों के तेज की अभिवृद्धि करता है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं संघ भावना हेतु विक्रम नामक खेलकूद का एक विशाल मैदान बनाया गया है।
सभी आधुनिक यंत्रों से युक्त एक व्यायामशाला विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ संशोधन वृत्ति को भी यहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी के फलस्वरूप यूनिवर्सिटी द्वारा 70 से अधिक उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन विद्वत्तापूर्ण, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ, जर्मनी के साथ हमारा एमओयू है, और वैयाकरण सिद्धांत भूषण सार के 4 वॉल्यूम अभी हमने 2 साल पहले प्रकाशित किए, और हमको नेक में ए प्लस ग्रेड मिला, एक्रेडिटेशन। उसमें भी संशोधन और प्रकाशन महत्वपूर्ण बात थी। गुजरात राज्य के लिहाज से इस विश्वविद्यालय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता मुझे नजर आई, वो ये कि ये पतंजल योग भवनम है। वैसे तो देश और दुनिया में योग का प्रचार प्रसार अब जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, योग को लेकर उनके मन मस्तिष्क में उसी समय से बहुत सारी संकल्पनाएं थी कि वो योग को विश्व स्तर तक किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। और ये एकमात्र इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इच्छानुरूप उनके अपने अनुसार यहाँ पर योग को लेकर परा स्नातक की उपाधि दी जाती है। ऐसा गुजरात राज्य में अन्यत्र और कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और खास बात जो मुझे नजर आई, वो साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि UGC द्वारा 2F तथा 12B मान्यता प्राप्त और NNAC द्वारा A+ श्रेणी में इस विश्वविद्यालय को रखा गया है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए इस कैटेगरी में आना उसके लिए सम्मान की बात है। तो ये सब चीजें इस विश्वविद्यालय को और अधिक खास बना देती हैं। वर्तमान काल में योग के महत्व को देखते हुए योग को बढ़ावा देने हेतु पतंजल नामक एक विशाल योग भवन यूनिवर्सिटी परिसर में बनाया गया है। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री योग चल रहा है। बहुत सारे छात्र यहाँ योग करने के लिए मास्टर डिग्री में डिग्री लेने के लिए आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि राज्य सरकार की ओर से जब हमने डिमांड रखी कि हमको योग चला रहे हैं, तो फिर वहीं बहुत बड़ा योग भवन बनाया हमने। मैं 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ आकर 9 साल से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, और कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ मैं बाहर से आई हूँ, मैं अकेली हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के परिवार बहुत अच्छे हैं, और संस्कृत का अध्यापन कराने में, अध्ययन करने में जैसे अध्यापक है वैसे ही छात्र भी है, बहुत अच्छा यहाँ पर आनंद आता है। यहाँ पे आके मुझे एक अच्छा अनुभव ये मिला कि पुराण विभाग में पढ़ाना, और वो भी भागवत जी पढ़ाना, वो मेरे भाग्य का मैं अद्भुत भगवान का उपकार मान रही हूँ। यहाँ नहीं केवल पढ़ाना ही है, लेकिन भागवत को कैसे समाज में जाके, भागवत कथाकार को भी तैयार हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, और श्लोक गान करके भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे कथा हम कर सकते हैं वो भी, प्रवचन कैसे दे सकते हैं वो भी हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों को तैयार कर रही है। अभी हमारे कई बच्चे है वो भागवत कथा भी कर रहे हैं समाज में जाके। यहाँ की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, उनका काम केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, विविध प्रकार की समितियाँ हैं, उनमें भी हमारा योगदान होता है, हम उनमें सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं। दरअसल विश्वविद्यालय कोई व्यापार करने का संस्थान नहीं है, बल्कि ये समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला संस्थान है, और इसीलिए जब इतना पुनीत कार्य, इतना बृहत कार्य अगर कोई विश्वविद्यालय कर रहा है, तो उसमें जो भूमिका होती है, उसके जो बुनियाद में जो लोग होते हैं, वो वहां पर मौजूद कार्यबल, वहां के शिक्षक होते हैं या वहां पर जो लोग काम करते हैं। और जब श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में यहां पर मैं आता हूं, तो मैं यहां पर जिन लोगों से मिलता हूं, वाकई मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि यहां के लोग अनवरत रूप से दिन रात एक करके इस विश्वविद्यालय को न केवल समाज के लिए उपयोगी बना रहे हैं, बल्कि यहां पर जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका का महत्तम इस्तेमाल कर सकें, उपयोग कर सकें, और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकें। इस निमित्त यहां पर सारे के सारे लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, वाकई साधुवाद के पात्र हैं यहां के लोग, यहां पर जो स्टाफ है, यहां पर जो कार्यबल है, और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस विश्वविद्यालय में हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। प्रतिवर्ष यहां अनेक कार्यशालाओं, विद्वत व्याख्यानों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठियों एवं परिसंवादों का आयोजन होता है। यूनिवर्सिटी में श्री नामक अत्याधुनिक अतिथि गृह का भी निर्माण पूर्णता पर है।
राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में ये यूनिवर्सिटी ऐसा ही योगदान भविष्य में भी देती रहेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि गुणवत्ता एक यात्रा है, गंतव्य स्थान नहीं, पूर्णता गौरव आए। इस अपने ध्येय वाक्य को सार्थक करने हेतु गुणवत्ता के इस अनंत मार्ग पर यूनिवर्सिटी सदैव मार्गस्थ रहेगी। मुझे लगता है कि जितनी भी भारतीय प्रादेशिक भाषाएं हैं, ज्यादातर उनमें संस्कृत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत पढ़ने से प्रादेशिक भाषाएं जितनी हैं उसका ज्ञान भी दृढ़ होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। जैसे गुजराती है, हिंदी है, मराठी है, इसमें 50% से ज़्यादा शब्द संस्कृत के होते हैं। संस्कृत का ही व्याकरण अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है, वही रूल्स प्रादेशिक भाषाओं के व्याकरण में फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं को एक बना सकती है। इतना ही नहीं, जो मंत्र उत्तर भारत में बोले जाते हैं लग्न प्रसंग में, वही मंत्र दक्षिण भारत में, वही पश्चिम में बोले जाते हैं। साध्य क्रिया में जो विधि उत्तर में होता है वही विधि दक्षिण में होता है। यही बताता है कि हम सबका विधि का, हम सबका जो भाषा था वो एक ही था, वो था संस्कृत। और संस्कृत सबको एक सूत्र में बात सकने की ताकत रखता है। कैसे? तो विश्वम भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ये हमारे मूल्य है संस्कृत साहित्य, संस्कृत वांग्मय के। और उसमें तो वही कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि विश्व एक नीड, एक मतलब एक घोषला हो। वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है। माँ भ्राता भ्रातरो दीक्षण, माँ स्वसा स्वसारो दीक्षण, कोई भाई का द्वेष न करे, कोई बहन का द्वेष न करे। सम्यक स्रवतो भूत्वा, सम्यक और स्रवत वाले बनकर हम भारतीय बनकर रहे, तो ये एक एकता की बात है, भारतीयता की बात है, वो संस्कृत में हमारे मूल्यों में है, साहित्य में है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो संस्कृत के द्वारा बहुत ही सरलता से पूरा हो सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम कैमरामैन सेंथिल कुमार और साथ ही साथ सहयोगी आनंद कश्यप के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।